वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी प्रत्याशी राव उदय प्रताप और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना उन पर भी जमकर निशाना साधा। भार्गव ने कहा कि पुलवामा हमले को घटना बताने वाले हमारे प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगा था। उन्हें इस धरती से ना तो अनाज मिलना चाहिए और ना ही नर्मदा का पानी मिलना चाहिए और उनकी जमानत भी जब्त होनी चाहिए। तो होशंगाबाद में राव उदय प्रताप के नामांकन दाखिले से पहले एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान गोपाल भार्गव और राव उदय प्रताप वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने पुलवामा हमले को घटना बताया था, साथ ही एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, उनको ना तो अनाज मिलना चाहिए, उनकी जमानत भी जब्त होनी चाहिए। प्राप्त करके सौंपना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के भक्त नहीं बल्कि पाकिस्तान के भक्त हैं, पाकिस्तान की रोजी रोटी खाते। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जो घटना भी पुलवामा की यह एक साधारण सा एक्सीडेंट था जिसमें सीआरपीएफ के 44 जवान हमारे मारे गए। इसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा साधारण एक्सीडेंट था। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है।